हेलो गाइस, वेलकम एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल स्टाइलिश ब्यूटीफुली। सो गाइस, बॉलीवुड इंडस्ट्री की जानी मानी सिंगर नेहा कक्कड़ हाल ही में अपने जन्मदिन सेलिब्रेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही, जिसमें उन्होंने अपने मम्मी पापा के साथ रात 12 बजे मस्ती भरे अंदाज में जन्मदिन सेलिब्रेट किया। सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात यह रही कि जन्मदिन के दौरान नेहा कक्कड़ के पति रोहनप्रीत कहीं नज़र ही नहीं आए, उनकी कोई पिक्चर ही नहीं थी साथ में, और ऐसा लग रहा था कि इस बड़ी सेलिब्रेशन में नेहा ने रोहनप्रीत को बीच में नहीं इन्वाइट किया है। और मे बी इसी से सभी उनके फैंस को लगा कि ज़रूर कोई प्रॉब्लम चल रही है नेहा कक्कड़ के बीच में और रोहनप्रीत के बीच में, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि शादी के बाद नेहा ने बिना रोहन के अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया हो। उसके बाद उन्हें एयरपोर्ट पर भी देखा गया जन्मदिन के बाद, तब भी वो काफ़ी ज़्यादा सैड लग रही थी। रोहन और नेहा ने 2020 में शादी की थी और दोनों का रिश्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा था। हम उनके सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा पोस्ट देखते थे प्यार भरे, और उनके पोस्ट देखकर किसी को भी अंदाज़ा नहीं लग सकता था कि कभी इनके रिश्ते में कोई दरार आएगी। सो फ्रेंड्स, अभी भी नेहा कक्कड़ और रोहन के फैंस ये विश कर रहे हैं कि ये र्यूमर ही रहे, फॉल्स र्यूमर हो, और नेहा और रोहन एक दूसरे के साथ कभी भी अलग ना हो। हम भी यही विश करते हैं। आपको ये न्यूज़ सुनकर कैसा लगा ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज एंड बाय।